नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं ललितपुर जिले की कुछ खास खबर पर एक नज़र। ललितपुर जिले में आज ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन इमेम बेग द्वारा जिले में चल रहे यातायात माह नवंबर के अंतर्गत शहर के नागरिकों को यातायात के नियम की पालनों के प्रति सजग और सतर्क रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस व NCC क्रेडिट्स और होमगार्ड के जवानों की एक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली जिलाधिकारी रूप से होती हुई शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर लोगों को यातायात नियमों के पालन के साथ साथ इस समय चल रहे कोरोना काल में घातक महामारी से बचने के लिए शहर के लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर जागरूक करते हुए यह रैली वापस पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित यातायात ऑफिस पर समाप्त हुई। इस दौरान यातायात प्रभारी अनुज गंगवार ने रैली को सफल बनाने एवं लोगों को जागरूक करने में सभी लोगों के साथ साथ मीडिया का भी जागरूकता लाने में धन्यवाद किया। तो वही यातायात रैली को लेकर पुलिस अधीक्षक कैप्टन इमेम बेग का क्या है कहना, देखिए इस रिपोर्ट में। एक नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह मनाया जाता है। इसमें जनपद ललितपुर में हम लोग लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें यातायात नियमों की जानकारी जनता को दी जा रही है। इसी क्रम में आज NCC के जवानों, ट्रैफिक के जवानों और ट्रैफिक होमगार्ड्स के द्वारा एक रैली निकाली गई है जिसमें जनता के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित चलने में सहायता करें। इस रैली में NCC के जवानों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस रैली से निश्चित तौर पर जनता के अंदर यातायात नियमों को पालन करने की जागरूकता आएगी।